और हम लोग सोन प्रयाग से गौरीकुंड के लिए जाते हुए और हम सोन प्रयाग पहुंच गए हैं। आगे से हमारे को टैक्सी मिलेगी और यहां हम सोन प्रयाग हैं। ये पार्किंग है, यहां पे आप गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है इधर, जो आप यहां पे गाड़ी पार्क करके गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेके जा सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी अभी पार्क कर दी है और हम लोग गौरीकुंड के लिए निकल रहे हैं बाय टैक्सी। और हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड और यहां से अभी हम जाएंगे केदारनाथ के लिए। ट्रैक शुरू हो जाता है। आज हमारे को टैक्सी नहीं मिल पाई थी उधर, इसलिए हमारे को पैदल ट्रैक करना पड़ा है। जाम के कारण टैक्सी नहीं पहुंची थी उधर, इसलिए अभी हम गौरीकुंड आ गए हैं पैदल ट्रैक करके। अभी गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए स्टार्ट करते हैं। ये हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड के घोड़ा पड़ाव। यहां से मिलता है केदारनाथ के लिए घोड़ा और मैं 2018 से कंटिन्यू आ रहा हूं। जितने श्रद्धालु अब की बार आए हैं, इतने नहीं 18 में आए थे, ना ही 19 में, ना ही 20 में, और अब की बार पहले दिन ही बहुत ज़्यादा भीड़ है, जबकि मंदिर के कपाट कल खुलेंगे। घोड़े का गवर्नमेंट रेट 2500 रुपये होता है, यहाँ से नीचे आने का 1500 रुपये होता है। अभी हमने घोड़े वाले से पूछा है तो वो 2300 रुपये बता रहा है, वापसी का 1500 रुपये बता रहा है। रावण ने कांवर लाके दिए जाते बाबा धाम को पैदल चल चल के। हम केदारनाथ के लिए 5 किलोमीटर चल चुके हैं, 11 किलोमीटर अभी बाकी है। नेक्स्ट स्टॉपेज 1 किलोमीटर भीमबली है। और हम शुभम भैया के साथ चाय पीते हुए, शुभम भैया गोरे लग रहे हैं इसमें। और दिखा होगा भैया को आपने कहीं ना कहीं चैनल लाइन का बनाएंगे ना, आपका भी बनाएंगे। और इधर पहाड़ों से पानी आ रहा है, शुद्ध जल। ये झरना चल रहा है, पानी आ रहा है झरने से, बहुत ही खूबसूरत झरना। अभी हम पहुंच गए हैं बड़ी लिंचोली और SJ ब्लॉग भाई हमारे साथ में ट्रैक पे कंटिन्यू। ट्रैकिंग एक आर्ट है, उसमें शिवम भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और यहाँ से अभी 5 किलोमीटर केदारनाथ बाकी है। हम 16 किलोमीटर लगभग अब तक चल चुके हैं और पहुँच गए हैं बड़ी निलचोली बेस कैंप। और ये पानी बह रहा है। हम छोटे निलचोली से थोड़े ऊपर आ गए हैं और बहुत भारी ग्लेशियर है इधर, और शॉर्टकट से कुछ श्रद्धालु केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं और मेन रास्ता इधर से जाता है। अभी हम लगभग मंदिर के नज़दीक पहुंच गए हैं, मंदिर से लगभग 200 मीटर पीछे हैं। और यहां पे गवर्नमेंट की ATM सुविधा भी बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ATM भी है इधर, कैश का भी अरेंज हो सकता है। मंदिर से 200 मीटर पीछे लगा हुआ है ATM। ला रहे
फाइनली हम पहुंच गए भोलेनाथ की शरण में। जय श्री केदार। विनोद मधुभूतम विभर्तु भूत वर्तरी शास्त्र लोचन प्रवृत्त शेष लेख शेखर शूनि धूलि धोरणि विदुंधरांग्र पीठभू जंगराज मालयानि बद्ध जाट जूटकस्य यच्छिदाय जातां च कौरवन्।